सुल्तानपुर में दिनदहाड़े डकैती के बाद सबसे पहले कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। डकैती में शामिल बदमाश मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद प्रदेश के साथ ही देश में राजनीतिक मुद्दा भी बना। नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी, सीधे सीधे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पुलिस पर डकैती के खुलासे को लेकर राजनेताओं के साथ ही व्यापारियों का भी दबाव था। बावजूद इसके एसटीएफ और पुलिस की टीमें सधे कदमों से आगे बढ़ती रही और आखिरकार वारदात में शामिल 8 डकैत जेल में हैं। डकैती का सारा सोना भी बरामद कर लिया गया है। अब डकैती और इनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर पुलिस का यह गुडवर्क भारी पड़ा है। 28 अगस्त को जब भरत सोनी की दुकान पर दिनदहाड़े डकैती पड़ी तो यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। डकैतों को पकड़ने के लिए एसटीएफ के साथ अयोध्या की एसओजी को लगाया गया। एक हफ्ते के अंदर 3 डकैतों को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। 5 सितंबर को जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो डकैती से ज़्यादा इस मुठभेड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। ये संदेह जताया गया कि डकैती में मंगेश यादव शामिल ही नहीं था, मगर जब पुलिस ने गिरोह के सरगना विपिन सिंह की निशानदेही पर सोना बरामद किया, उसके 4 और साथियों को पकड़कर लूट का सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया, तब उन सारे सवालों के जवाब सामने आ गए जो डकैती के खुलासे के पहले उठाए जा रहे थे। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में वरे ज्वेलर्स के यहाँ पे लूटपाट की घटना हुई, जिसका अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी। उसमें पहले भी गिरफ्तारी और रिकवरीज हुई है। इस संबंध में एक अभियुक्त जो जेल में था उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया, विपिन सिंह है उसका नाम। उसकी निशानदेही में तथा आज पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए, जिनका कमर्शियल नाम है दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह। इन सभी के पास से और जैसे मैं पता PCR में पूछताछ के दौरान अभियुक्त के द्वारा जो रिकवरी करवाए घटनास्थल पे, वो करीबों करीब उसी संबंध में ये PC है, जिसमें करीबों करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफ़ी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है, जिस बोलेरो कार को इन अभियुक्त ने घटना के दिन घटना करने के बाद बाइक से उतर के इस्तेमाल करके भागने के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी जो अपराधी हैं उनसे बाकी पूछताछ और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। आज के डेट में ये लोग अमेठी के आसपास से ये लोग पकड़े गए हैं और बाकी जैसे बताया ये पुलिस कस्टडी में है। हाँ, ये मास्टरमाइंड जो है विपिन सिंह का ही गैंग है, जिसमें अलग अलग सदस्य हैं, उनको अलग अलग तरीके से उस दिन इस घटना में संलिप्त थे। इन्हीं को आज पकड़ा गया, इनके ऊपर भी इनाम रखा गया था। इनाम भी इनका नाम पहले प्रकाश में आ चुका था। आज इनसे रिकवरी हुई है, जो रिकवरी आप थोड़ी देर पहले आप देख रही हैं। ये सारे जो ज्वेलर्स हैं, ये जो हमारे जिनके यहाँ से घटना हुई थी उनके द्वारा भी देखा गया है और उनको वो इनको चिन्हित की हैं, अपनी वो समझ पाई उनकी दुकान की है, उसमें वो क्लियर है। और इसी के साथ उनकी जितनी मेजर रिकवरीज थी इस केस में, पर्टिकुलरली कोल्ड, वो संपूर्ण हो चुकी है।